मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम से जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अपनी विकासशील सोच क्षमता विकास एवं बेहतर कार्य संस्कृति के साथ प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में कार्य करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के मूल में उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने की अवधारणा को भी साकार करने में विद्युत निगमों से सक्रियता से सहयोगी बनाना होगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तराखंड जल विद्युत निगम के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि UJVNL ने जल विद्युत क्षेत्र में अपने विकासशील सोच अभूतपूर्व क्षमता एवं उच्च कोटि की कार्य संस्कृति के बल पर आज राज्य के नहीं अपितु देश भर के सरकारी संस्थानों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। राज्य स्थापना के उपरांत UJVNL का गठन उत्तराखंड को सही अर्थों में ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए किया गया था। इस संबंध में यद्यपि UJVNL का द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी इस क्षेत्र में कई चुनौतियों का हमें सामना करना है। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे, तभी हम उज्ज्वल उत्तराखंड के निर्माण में सफल हो सकेंगे और ऊर्जा प्रदेश के संकल्प को पूर्ण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमें राज्य के नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा तथा राज्य आर्थिकी के विकास के लिए समेकित प्रयास करने होंगे। इस अवसर पर सचिव ऊर्जा श्री आर मीनाक्षी सुंदरम तथा प्रबंधक निदेशक श्री संदीप सिंघल ने निगम के लाभांश का 20 करोड़ तथा प्रबंध निदेशक पिटकुल पीसी ध्यानी ने 5 करोड़ का लाभांश का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम को अपनी बेहतर कार्य संस्कृति और कुशल प्रबंधन के बल पर इसी प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहना होगा। राज्य निर्माण के समय ऊर्जा क्षेत्र को हमारी आर्थिकी का मूल आधार माना गया था, परंतु ये लक्ष्य अभी तक पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाया है। अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर ये विचार करें कि इस दिशा में कैसे तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। हमें इसके लिए प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र की विकास योजनाओं को समय पर पूर्ण करने से हमें केंद्र सरकार द्वारा समय का आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। इसका उदाहरण लखवाड़ बहुउद्देश्य जल विद्युत परियोजना एवं जमरानी विद्युत परियोजना है, जिसमें तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जीरो पेंडेंसी वर्क कल्चर पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए हर क्षेत्र में सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि के मूल मंत्र के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। हमें अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ऊर्जा के साथ निरंतर कार्य करते हुए करना होगा।